संविधान ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। जिस दिन संविधान पे आँच आएगी, बहुजन अपना खून का एक एक कतरा बहा करके संविधान को बचाएगा। संविधान नहीं है तो बहुजन खत्म है इस देश के अंदर। बीजेपी और आरएसएस, इनकी नीयत और इनकी सोच, इनकी जो क्या कहें, मानसिकता जो है इतनी खराब हो चुकी है, ये जो है कहीं ना कहीं इनका वो जो जहर निकल ही पड़ता है। तो जो रमेश भिदूड़ी ने जो आरएसएस में सीखा है, जो और जगह सीखा है, वो देश के सबसे बड़े मंदिर जहाँ की हमारे देश के कानून बनता है, जहाँ कानून में इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ जा करके उसने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी हम मौजूद हैं डीयू के 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 पर, जहां डॉक्टर ऋतु का कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब ये प्रदर्शन को 1 महीने होने जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, महिलाएं पहले दिन से ही बड़ी अच्छी संख्या में जो है उनको समर्थन देने के लिए रोजाना आती हैं और अब 1 महीने होने को जा रहे हैं। आप लोग हर रोज आते हैं, क्या कुछ असर होता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और बात रही असर की, असर तो 101% होगा, क्योंकि जो देश का संविधान है, संविधान को आज ऐसे लोगों के हाथों में है जिनकी नीयत और नीति साफ नहीं है। अगर उनकी नीयत और नीति साफ होती तो आज इस धरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि जब जुल्म को सहोगे तो वो और ज़्यादा आपके ऊपर होगा। तो जुल्म ना सहना और अपना न्याय मांगना, अपना हक मांगना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। कई लोग हैं डॉक्टर ऋतु के ऊपर ही कई सारे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कमज़ोर को हर कोई सोचता है कि उसी को दबाया जाए, लेकिन आज डॉक्टर ऋतु कमज़ोर नहीं है। आज वो समाज की, पूरे हमारे जो बहुजन समाज है, पूरा 85% जो समाज है, समाज की बहन है, समाज की बेटी है, और पूरा समाज ऋतु बहन के साथ है। और न्याय तो आज नहीं कल 101% मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम यहीं पर लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और पूरे संविधान के दायरे में रह के अनुशासन के साथ हम लड़ाई को लड़ेंगे। हम कानून को मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन संविधान को ख़त्म करने की बात चल रही है, बदलने की बात चल रही है? संविधान को ख़त्म करने की बात, संविधान ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। जिस दिन संविधान पे आँच आएगी, बहुजन अपना खून का एक एक कतरा बहा करके संविधान को बचाएगा। संविधान नहीं है तो बहुजन खत्म है इस देश के अंदर। इसलिए संविधान को ख़त्म हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की बलिदान क्यों न देना पड़े। में एक सांसद दूसरे सांसद को कैसी गालियां गल और कैसे अभद्र टिप्पणी कर रहा है, कैसे वो कह सकते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है? हाँ, वो जो आप अभी जो बीजेपी सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की है, अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें, उसका भी हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि इस बात का क्या जवाब दे। उन्हें हर कीमत पर उनकी सदस्यता रद्द करनी पड़ेगी। अभी 15 दिन के उन्होंने समय दिया है, कारण बताओ नोटिस बीजेपी ने जारी किया है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस इनकी नीयत और इनकी सोच, इनकी जो क्या कहें, मानसिकता जो है इतनी खराब हो चुकी है कि ये जो है कहीं ना कहीं इनका वो जो जहर निकल ही पड़ता है। तो जो रमेश भिदूड़ी ने जो आरएसएस में सीखा है, जो और जगह सीखा है, वो देश के सबसे बड़े मंदिर जहाँ की हमारे देश के कानून बनता है, जहाँ कानून में इम्प्लीमेंट होता है, वहाँ जा करके उसने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसका आज नहीं तो कल उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। IT सेल और तमाम नेतागढ़ जो हैं, दानिश अली को गुनहगार और रमेश भिदूड़ी को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा वो कितना भी कर लें, ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें आ चुकी हैं, उनका जो है चेहरा बदलने वाला नहीं है। चेहरा तो उनको जग जाहिर सबको पता है कि बीजेपी का चेहरा क्या है और आरएसएस का चेहरा क्या है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है,
आप ज़्यादा नहीं तो मैडम एक महीने का समय देखो, एक महीने में इसका ना आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि जहर जहर ही होता है और जहर का काम होता है नाश करना। और गुस्से में बोल दिया, वो ऐसा नहीं करते, दानिश अली ने गुस्सा दिला दिया उनको। दानिश अली अली जी ने गुस्सा नहीं दिलाया, अगर जायज बात को सही समय पर ना कहा जाए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अपने हक और अधिकार की लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमें वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आज डॉक्टर रितु के साथ हम नहीं खड़े होंगे, उनके साथ जो ये अत्याचार उन्होंने किया है, जो ये अमानवीय जो ये संज्ञा ये काम किया है, इसके लिए अगर हम लड़ाई आज हम अपने अधिकार को मांगने के लिए नहीं बैठेंगे तो वो भी एक गलत बात है। तो दानिश अली जी ने इसमें कोई गलत नहीं किया है, वो एक चुना हुआ सांसद है, बहुजन समाज पार्टी का सांसद है, हमारा अपना सांसद है। अगर यही टीका टिप्पणी उनके किसी बीजेपी के नेता ने की होती तो उन्हें इस चीज़ का बुरा नहीं लगता, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बाहर तो इन लोगों को दबा लेते हैं, संसद के अंदर भी इन लोगों को नहीं बोलने दिया जाए, वो एक उदाहरण ये पेश करना चाहते थे और जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कह रहे हैं उनके टीपा टिक्कड़ी के चलते प्रधानमंत्री गृहमंत्री हर किसी को भाषण में दिक्कत आती है। भाषण में दिक्कत इसलिए आती है ना कि एक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले बच्चे हैं, वो मानवता की बात करते हैं, वो अहिंसा की बात करते हैं, और इन लोगों को मानवता की बात अहिंसा की बात अच्छी नहीं लगती है। इन आरएसएस वो जहरीला पौधा है जिसके अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है, तो इसलिए हमें जो है साफ साफ शब्दों में, अभी मैं कनाडा की एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि कनाडा ने आरएसएस को बैन कर दिया है, तो ये हम कनाडा जाके नहीं कह के आए कि आरएसएस को बैन कर दो, तो ये तो जग जाहिर है। इन बातों को हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा भारत देश जो है इस चीज़ को देख रहा है कि विकास के नाम पर किस तरह से हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। नाम बदलने से विकास नहीं होता है, इंडिया से भारत कर दो विकास नहीं होता है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए आपको कानून को सही रूप में लागू करना पड़ेगा। कह रहे हैं नाम हटाकर गुलामी हटाना चाहते हैं, अभी भी गुलामी दिमाग में है, इंडिया गुलामी का प्रतीक है। अगर इंडिया गुलामी का प्रतीक है तो जब ये 750 साल इस देश मुसलमानों को गुलाम रहा, तो तब ये जो क्षत्रिय वंश था, कहते हैं इस देश में क्षत्रिय वंश ने भारत देश की रक्षा की, तो क्षत्रिय ने तब देश की रक्षा क्यों नहीं की, क्योंकि 750 साल गुलाम रहा, क्यों नहीं जब 250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, गुलामी मत होने देते ना। आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपके पास क्षत्रिय वंश था, आपके पास हथियार भी थे, सब कुछ थे, लेकिन क्यों नहीं किया। अब मैं यहाँ एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, और पानीपत की जब लड़ाई हुई थी तो वो अब्राहम लोदी और मुस्लिम शासक अब्राहम लोदी और मुझे बाबर के बीच हुई थी। तो जब दोनों की जब लड़ाई हुई तो हमारे जो देश के जो अब्राहम लोदी की जो फौज थी वो थी 1 लाख फौज, और बाबर की जो फौज थी वो 10,000 थे। जब लड़ाई हुई और शाम को सूर्यास्त होने के बाद में लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई होने के बाद में बंद होने के बाद में बाबर ने अपने गुप्तचरों को कहा कि आप जाइए और उस सेना में अपना भेष बदल करके जाइए और वह देख के आइए, जायजा लीजिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जब हमारे बाबर के सैनिक भेष बदल करके जब अब्राहम लोदी के खेमे में आए तो वो क्या देखते हैं कि अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, अलग अलग खाना बन रहा है। तो उन गुप्तचरों ने पूछा कि यहाँ पर अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, अलग अलग जो लोग बटे हुए हैं, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम सेना में तो एक में हैं, लेकिन हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी ऊंच नीच की जो व्यवस्था है ये बरकरार है। तो ये बात सुनने के बाद गुप्तचर वापस आए और बाबर को उन्होंने संदेश दिया कि ये जो है जो लड़ाई हो रही है इसमें वहाँ पर जितने भी जो जिस समाज का है वो अपना खाना अलग बनाता है, वहाँ समाज के हिसाब से खाना बन रहा है। तो बाबर ने कहा
कि जिस देश में एकता नहीं वो देश बर्बाद, जिस समाज में एकता नहीं वो समाज बर्बाद, और वो सेना तुम्हारा क्या मुकाबला करेगी जिसमें खुद में ही फूट पड़ी हुई है। तो सुबह उठते ही जबरदस्त हमला कर दो, और जबरदस्त हमला हुआ और बाबर उस लड़ाई को जीता, तो कहाँ गए थे ये? एक बेहद ही कहानी के माध्यम से समझाया एकता और अनेकता की चीज़ें। आप क्या कह चाहती हैं, भारत हो इंडिया हो, नाम बदलना चाहिए कि नहीं? इंडिया हो, इंडिया होता है, इंडिया रहना चाहिए, इंडिया ही है। बाबा साहब ने संविधान में भी सबसे ऊपर इंडिया लिखा है, तो अब उसको बदलने वाले ये होते कौन है? अब इंडिया था, गुलामी का प्रतीक है। नहीं, ये सो इनके बोलने से क्या होता है, इंडिया गुलामी के प्रतीक है, इतने दिनों से कहाँ थे ये? तब इनको जब भारत संविधान पे लिखा जा रहा था भारत इंडिया, तब कहाँ थे? तब बाबा साहब ने लिखा तो बाबा साहब इतने ज्ञानी ध्यानी थे तो वो ये वर्ड या शब्द क्यों लिखते? उन्होंने कुछ सोचा तो लिखा ना। ये इनको इसी चीज़ से ही घृणा और एलर्जी है कि ये लोग बाबा साहब के नाम क्यों लेते हैं, बाबा साहब के गुण क्यों गाते हैं, हमारे देवी देवताओं के गुण गाओ, हमारे आगे हाथ जोड़ो क्यों जोड़े? कुछ किया हम औरतों के लिए? कुछ किया हमारे बच्चों के लिए? टीवी पर तो दिन भर चलता है ना भगवान, हिंदू मुसलमान टीवी पे आजकल एक चैनल आ रहा है नंबर वन, कभी देखा आपने? वैसे तो वो अपने आप को कहता है नंबर वन चैनल, तेज तरार नज़र कहीं भी पहुंच जाता, एक महीने से फूट गई। ये किसी की बेटी नहीं है, ये किसी की घर की इज्जत नहीं है, किसी के बच्चे लाइव दिखाते हैं, सारा कुछ तुरंत है। योगी मोदी बस, यानी कि गोदी मीडिया है, योगी मोदी, टाइम मिले तो अंबानी, उसके बच्चे खिलाने जाएं, उसके पोती पोते खिलाने जाएं। रितु किसी की बेटी नहीं है, रितु किसी की बच्ची नहीं है घर की। आज वो एक महीने से अपने घर से बाहर है, उसकी माँ से पूछो उसकी माँ के पे क्या जोर पड़ा है, उसकी जवान बेटी रोड पे बैठी है। अब कहाँ है मोदी? क्यों नहीं आता यहाँ किसी की बच्ची पे के सर पे आशीर्वाद का हाथ धरे और उसको समाज के साथ इज्जत के साथ उसके घर पहुँचाए, उसकी नौकरी पे उसे बहाल करे? क्यों नहीं करता? क्यों यहाँ तीसरे दिन गुंडे भेजे जाते हैं? मोदी जी तो तमाम काम करते हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। तो ये महिला नहीं है, रितु महिला नहीं है, ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो लड़की है ना। तो बिल भी ला दिया आरक्षण का? अजी बिल ला दिया, बिल कहाँ चलेगा? इतना लागू होगा जाने कब के मारे, तब होगा ही नहीं। जो संविधान में लिखा वही चलेगा, वही चलता है, वही चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। साफ तौर पर महिलाओं के लिए जो दावा करती है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की, तमाम काम करने के और तमाम दावे हैं, वो ज़मीनी स्तर की हकीकत ये है। हमने महिलाओं से ही बात की इसीलिए क्योंकि महिलाओं की राय बेहद ज़रूरी है, महिलाओं के लिए बिल लाया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की जा रही है और तमाम वायदे किए जा रहे हैं, तो महिलाओं की राय जानना बनता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।